सो फ्रेंड, फाइनली पहुंच चुका हूं छोटा कैलाश, और पीछे पड़ा है मेरा सामान, और यही रहेगी आज की मेरी कैंपिंग लोकेशन। तो फटाफट से मैं अपना कैंप सेटअप करता हूं, और उसके बाद मुझे लकड़ी ढूंढनी भी है ताकि रात को थोड़ी आग जला सकें। तो फटाफट मैं अपना पहले कैंप सेटअप करता हूं, और अभी सनसेट होने वाला भी है, ऑलमोस्ट 5:10 के समथिंग टाइम हो चुका है, और मैं फटाफट अपना कैंप सेटअप करता हूँ। सो गाइस, ये नीचे से तिरपाल, ये टेंट की सेफ्टी के लिए थोड़ा बहुत, मतलब इससे मिट्टी विट्टी नहीं लगती टेंट पे, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा हूँगा मैं भी, क्योंकि यहाँ कोई कैमरामैन तो है नहीं मेरे पास पे। आज बहुत दिनों बाद खुल रहा है हमारा टेंट, सो इसको लगाने में दिक्कत होगी। पहले इसका फेस देखेंगे कि किधर करना है, फिलहाल खोल लेते हैं। लोकेशन बहुत बढ़िया है, और ठंड लग रही है, अभी हाथ जम रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसका फेस सही रहेगा इधर नीचे की साइड पे। एक्चुअली देख रहा हूँ, मेरे जूते मैंने खोले थे ना दर्शन के लिए, तो अभी दिक्कत कर रहे हैं, तो बाद लेता हूँ लेस, है ना, अदरवाइज ये दिक्कत ही करते रहेंगे। सो गाइस, बहुत मशक्कत के बाद ये थोड़ा सा लग चुका है, और इसका अब कवर डालना बाकी है, और ठंड बहुत हो रही है। सो गाइस, अभी फटाफट अपना सामान पहले अंदर रख लेता हूँ, उसके बाद अंदर सेट करूंगा, क्योंकि मेरा सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है बाहर, ठीक है। सो यार, अब जाके टेंट लग के हुआ रेडी, और यहाँ ठंड हो रही तगड़ी। अब थोड़ा ग्लव्स पहन लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही इधर। अभी लकड़ियों का देखना है सीन शॉट, और पानी भी भर के लाना है फटाफट। पहले मैं पानी भी भर लेके आता हूँ, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, तो दूर है थोड़ा सा, मतलब मंदिर के पास में ही है। तो यार गाइस, फाइनली ब्लैक कॉफ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए आप, और थोड़ा सा गिर भी गया नीचे, मैंने पानी नीचे गिरा दिया इसमें, पानी या ऊपर ज़्यादा भर दिया शायद, जो भी है।
तो थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, गिरने लग गई थी सारी। और कपड़ा है मेरे पास, साफ कर लेता हूँ, है ना, सही नहीं रहता टेंट के अंदर गंदगी का रखा है भाई, कपड़ा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा अभी तो। ये है सारा पूरा गंदा हो गया, एकदम मजेदार मस्त। सो यार गाइस, अभी फिर से ट्राई करता हूँ यहाँ पे आग लगाने का सीन शॉट। थोड़ी मेरे पास ये वो है पॉलीथीन, तो फिर से ट्राई करते हैं अगर लग जाए तो। पहले मैंने किया था, बहुत गीला हो रहा है बिल्कुल, यहाँ पर वेदर ऐसा हो रहा है ना बिल्कुल जमने वाला हो रहा है, पाला गिर रहा बहुत तगड़ा है ना। बांस की डंडी ये रखे पड़े थे इधर, क्योंकि यहाँ और लोग भी आते हैं कैंपिंग के लिए, मतलब नाइट स्टे के लिए जो रुकते हैं, तो इसको जलाने के लिए ये रखा हुआ है बढ़िया। और ये थोड़ी घास, ये सूखी है, बस इसको पकड़ ले आगे। अगर एक बार ये जल गई ना तो मजा आ जाएगा। अरे जल गई भाई, बस घास तो जल रही, बस लकड़ियां जल जाए। भाई सच बताओ ना, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। इस बारी मैं स्लीपर भी लेके आया, क्योंकि कैंप के अंदर घुसो, जूते उतारो, बाहर आओ, पहनो, बहुत दिक्कत होती है, इस बारी स्लीपर लेके आया हूं। तो दोस्तों ये जली हुई है आग, और सामने उधर लगा हुआ हमारा टेंट, और सामने छोटा कैलाश उस साइड पे है, और उधर पे एक सोलर पैनल लगा हुआ है, और सीटिंग एरिया भी है, और आपका इस साइड पे हो गया हेड़ा खान। और ये पूरा देखो, यहाँ से अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ऐसे में ना थोड़ा ऐसे दिखेगा, देखो ये अपना कैंप, और ये लग गई हमारी आग। तो दोस्तों अभी हो रही है हमारी खिचड़ी की तैयारी, चावल मैंने धुल दिया है, और बढ़िया करके प्याज काट लेते हैं, ठीक है, फटाफट खिचड़ी बनाएंगे, बढ़िया वाली होम स्टाइल खिचड़ी बनेगी आज, बहुत टाइम बाद कैंपिंग में खिचड़ी बना रहे हैं भाई, ठीक है, और बना रहे हैं क्या, बना रहा हूँ अकेले अकेले, ठीक है। थोड़ा सा कूड़ा रखने के लिए यार मैं एक दूसरी प्लेट भी लाया था, बाद में सब ये लेके जाना पड़ेगा वापस, ठीक है। सो फटाफट काट देते हैं, आग भी बुझ जाएगी नहीं तो मेरी अभी आग, क्योंकि लकड़ियां है नहीं मेरे पास ज्यादा, मेरे को लेट हो गई पता है, मेरा सामान इतना भारी हो गया था भाई, क्या बताओ तगड़ा, गोप्रो ने अलग परेशान करा था। एक्चुअली मेरे को गोप्रो परेशान नहीं करता ना, तो एक्चुअली गोप्रो में क्या रहता है, हाथ में पकड़ो और जेब से निकालो, बनाते रहो फटाफट वीडियो, और मोबाइल में क्या रहता है, पूरा सेटअप देना पड़ता है बढ़िया करके, तो दिक्कत हो जाती है। और पूरे दो दाने प्याज के डालूंगा, लहसुन डालूंगा बढ़िया करके, ठीक है, और बढ़िया करके बनाऊंगा, उसके बाद खाना वाना खाएंगे बढ़िया करके, स्लीपिंग बैग में घुस के नींद निकालेंगे मजे वाली। और भाई लोग, आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी करना भाई को, ठीक है, नाइट कैंपिंग चल रही अकेले, और वो भी इतनी दूर, आप लोग आना कभी देखना, बहुत प्यारी सी जगह है, बट यही है रात का टाइम है, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है ना, बट ये बहुत टॉप है, तो इधर जानवरों का खतरा तो नहीं है, बाकी बढ़िया।
सो साइड में गैस भी चला देता हूँ, ठीक है बढ़िया। ये देखो ये सिस्टम सही है ना, थोड़ा जम जाएगा तो दिक्कत है, अदरवाइज बढ़िया है। तब तक मैं लहसुन छिलता हूँ। लहसुन, ये लहसुन मेरा सामान सब फैल जाता है यार, यही दिक्कत होती है ना जब मतलब अकेले करो तो। वही घर वाला थोड़ा ना, एक छोटा सा अपना ये एक रात का आसियाना है तो उसमें क्या रहता है ना, थोड़ा सा सामान को रखो करो तो दिक्कत होती है, और शिफ्टिंग करने में मतलब सेट करने में दिक्कत आती है। अब बनेगी बढ़िया बढ़िया खिचड़ी फटाफट। तो हल्का सा डालो इसमें नमक, ठीक है नमक गलाएगा जल्दी इसको, और मिक्स मसाला भी है मेरे पास। ये देखिए आप लोग, ये मिक्स मसाला है, ठीक है पहले से बना के रखा है मैंने, तो थोड़ा सा ये डाल देते हैं और बढ़िया बनाएगा आप। ये देखो मैंने ये ना ऑनलाइन ली थी, बढ़िया पड़ी है डब्बी मुझे। तो गाइस फाइनली खिचड़ी बनके हो चुकी है रेडी एकदम फर्स्ट क्लास। अब स्टार्ट करते हैं खिचड़ी खाते हैं बढ़िया करके। ज़्यादा बन गई बट खिचड़ी गीली गीली खाने में मज़ा आता है। सूखी खिचड़ी खाऊंगा तो प्यास ज़्यादा लगेगी और फिर पानी पीना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा वॉशरूम फटाफट, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। अभी गिर गया था भड़क करके। सो यार टेस्ट करते हैं गर्मा गर्म खिचड़ी। आज लाइफ में पहली बार मेरे से गीली गीली खिचड़ी वो भी अच्छी बनी है, अदरवाइज कच्ची रह जाती थी मेरे से ज़्यादा, क्योंकि चावल ज़्यादा हो जाते हैं ना। आज सही बनी है गीली गीली, और फटाफट अब मैं खिचड़ी खाता हूँ। आप लोग क्या खा रहे हो ये भी बताना यार, हम तो खिचड़ी खा रहे भाई कैंपिंग में। आप लोग भी करो कभी कैंपिंग, ठीक है नया नया एक्सपीरियंस जुड़ते रहते हैं लाइफ में, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है यार ना। जितना बटोरेंगे उतना हमें मिलता जाएगा, मतलब नॉलेज जहाँ से मिलता है बटोरते जाओ, और बहुत कुछ है सीखने के लिए लाइफ में, तो सीखते रहिए। बाकी मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, मतलब नेक्स्ट लेवल अभी एडवेंचर करने का। और लद्दाख का तो मेरा यार एक ड्रीम है जो आप लोगों के बिना तो पूरा होगा नहीं। बहुत टाइम से मेहनत करते रह रहा हूँ, लेकिन करते रहूँगा यार। बाकी सपोर्ट करना आपके ऊपर है, ना करना वो भी आपके ऊपर है। The next morning. Good morning. अभी हो रहा है 5 o'clock और अब बनाते हैं चाय, ठीक है। सो पानी भी पीना है गरम थोड़ा, और चाय भी बना लेते हैं। भाई रात को बहुत तगड़ी ठंड थी यहाँ पे, मतलब ऐसी होगा टेम्परेचर 8 या 7 के समथिंग, क्योंकि नेटवर्क इतना काम कर नहीं रहा यहाँ पे। और थोड़ा सा अभी हवा चल रही, देख रहे हो पूरा हिल रहा है टेंट, आवाज़ चल रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो फिलहाल इसको चाय वाय बनाते हैं अपने लिए, मस्त मतलब ब्लैक टी बनाएंगे अभी। तो भाई बाहर हो रही है तड़ाके की ठंड और टेंट पूरा गीला हो रखा है। गुड मॉर्निंग गाइज, सो ये अपनी कैंपिंग लोकेशन थी, दिखाता हूँ ये अपनी कैंपिंग लोकेशन थी। ये यहाँ पर रहने के लिए बना रखा है, अगर किसी को रुकना हो तो रुक सकता है। और यहाँ से चारों तरफ आप देख सकते हैं, अभी मॉर्निंग का नज़ारा है ये सब, और मेरा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है, बाहर रख दिया मैंने, क्योंकि अब मैं टेंट समेटूंगा फटाफट से, मैं टेंट समेटता हूँ, ठीक है दोस्तों। सो गाइस फाइनली मेरा लगेज हो चुका है पैक, और सारा सामान मैंने पैक कर लिया है और फुल लोड हो चुका हूँ। सो अभी यहाँ से निकलते हैं, 7:30 हो चुका है और सनराइज भी हो चुका है, दर्शन करेंगे और उसके बाद सीधे यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि यहाँ से है ही 3-4 किलोमीटर का पैदल का रास्ता। सुबह सुबह मेरा हाथ दब गया था, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।